How hard here? मस्ती करने के लिए तैयार हो? Hey! Oh, sorry. Oh. एक मिनट रुको, मेरे पोते के पास भी ये है। तुम्हें बस एक हॉट लोगन चाहिए और थोड़े मजेदार कलर्स। जितने बटन्स चाहो उतने फिल करो। परफेक्ट, अब ये तैयार हैं। है लगभग। हाँ, ट्राई करना चाहोगी? तो ये लो। ओह, एकदम फिट आ गए। मुझे पसंद आया। शुक्रिया। चलो चलें। गा! हम गिर गए, अब हम नहीं उठ सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। आपका काम माफ करना, तो मैं कह रही थी आपका काम सिर्फ इनके देखभाल करना होगा। ओह, कितने सुंदर हैं। ये वाला कितना प्यारा है। ओप्स! बाल बाल बचे, आप ध्यान दे भी रही हैं। बढ़िया, मेरे साथ आओ। ये रहा वाटरिंग कैन। वाह, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये थोड़ा आसान लगता है, इन्हें ज्यादा पानी मत देना। ठीक है। ओह नहीं, ये क्या गड़बड़ है, साफ करो इसे। हाँ बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है? मैं चाहती हूँ तुम ये पॉट साफ करो। ओप्स! सांस लो, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, ये तो ठीक नहीं हुआ। हालांकि मैं जानती हूँ सब ठीक कैसे होगा। हमें इस प्लांट पॉट को फेंकना नहीं है, बस एक 3D पेन लें और पॉट के इस साइड पर ड्रॉ करना शुरू करें। बिल्कुल कोनों कोनों पर प्लास्टिक लगाना शुरू करें। कोई स्पॉट छोड़ मत देना, बस हो ही गया। जब ये हो जाए तो इस तरह एक स्ट्रैंड ऐसे ही छोड़ दें। हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं। परफेक्ट, अब इस तरह इसके ऊपर लाइंस बनाते जाएं और अब इसे फिल करें। इसमें थोड़ा समय लगेगा पर अच्छी चीज बन जाएगी। दोबारा कोई भी गैप मत छोड़ना। अब कोई भी क्रैक हो तो उसे 3D पेन से फिल कर लें। इससे ये टूटेगा भी नहीं और मजबूत भी हो जाएगा। अब हम इसे कलर करते हैं। कितना अलग है ना। हाय, अरे वाह, ये हुई ना बात। और कोई चीज मत तोड़ देना, समझ गए। करना। क्या आप एक आम पेन से ऐसे कूल चीजें कर सकते हैं? तो आपने कभी 3D वाला इस्तेमाल नहीं किया होगा। हाँ, इससे बहुत जबरदस्त चीजें हो सकती हैं। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, बस थोड़ी क्रिएटिविटी की जरूरत है और बहुत सारा पेशेंस, और फिर बहुत मस्ती होगी। चलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ। नाइटी नाइट। इसे जला कर नहीं सो सकती। वुप्स, मैं कितनी बुद्धू हूँ। लगता है नीचे भी कोई है। ओह, जरा ये तो देखो, मैं इस सामान के बारे में तो भूल ही गई थी। ये क्या है? बार्बी, मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें प्यार करूंगी। बार्बी, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। शायद ये सपना है। उम्मीद तो है। हाँ, बहुत असली लग रही थी। पर ये डरावनी बार्बी ठीक कह रही थी। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, घबराओ मत। मेकओवर टाइम। तुम पर थोड़ा काम करना बनता है। तुम्हारी आउटफिट से शुरू करते हैं। तुम्हें रेड पसंद है ना? बस पेन को इस तरह आगे पीछे करना है। इतनी लेंथ काफी है। कितना प्यारा लग रहा है। तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? और तुम्हें तो शॉपिंग भी नहीं करनी पड़ी। अब प्यारे प्यारे सपने आएंगे। ये अच्छा है। अच्छे से सुना दोस्त। एक नई ड्रेस, थैंक यू। करना है। ओह नहीं, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं ये 3D पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये बहुत आसान होगा। मैं इस गैप में ये लाइंस ड्रॉ कर दूंगी। इससे इसका एक बेसिक फ्रेम तैयार हो जाएगा। अब इस तरह से लाइंस बनाएंगे तो एक मैश बनेगा।
जिससे ये और सिक्योर रहेगा। अब इसे फिल करते हैं। अब मैं इसमें पास पास लाइंस बनाऊंगी। हाँ, इतना काफी है। अब मैं टॉयलेट इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो अंदर कर क्या रही है? आखिरकार उन्हें बहुत जल्दी होगी। ध्यान से, ये तो बहुत रूड है। जो भी है, मुझे तैयार होना चाहिए। ये बेल्ट कितनी प्यारी है, बस ये थोड़ी छोटी है। ओ नहीं, मेरे नेल्स नहीं, ये खराब हो गए। बहुत बुरा हुआ। अपने आप को देखो, मेरे बेचारे नेल्स। लूजर, तुम सबसे बुरी हो। कोई बात नहीं, मैं ये ठीक कर सकती हूँ। ये काम आएगा। समझ गए। इमरजेंसी नेल रिपेयर करने के लिए पहले अपनी उंगलियों पर टेप लगाएं, अब एक वुडन स्टिक लें और इस टेप को नेल में प्रेस करें, और अब एक पेन से आउटलाइन बनाएं। अपनी नेल से टेप को निकाल लें, अब इसे फ्लैट सरफेस पर रखें और अब बाकी का नेल बना लें। ओवल शेप बनाएं, 3D पेन लें और नेल टेम्पलेट को फिल कर लें। लाइंस के बीच बीच में रहना चाहिए। अब कुछ पेंसिल या वैसा ही कुछ लेकर इसे थोड़ा मोड़ कर एक कर्व बना दें। अब टेप से फेक नेल निकाल दें। आराम से करें, हमें नेल तोड़ना नहीं है। अब फालतू का प्लास्टिक काटने के लिए नेल सीजर्स इस्तेमाल करें। इंक के साथ साथ काटना है। अब हमें इसे बस लगाना है। अब इसे बाकी उंगलियों पर भी लगा दें और पाएं शानदार नेल्स। अच्छे लग रहे हैं। वाह, अब मैं तैयार हूँ। ये कमाल के लग रही है। हे, ध्यान से, हटाओ इसे। हटो। तुम्हें हुआ क्या है? जरा टाइम देखो, सफाई करने का टाइम है। निकलो यहाँ से। बहुत हुआ, ये लो। भागो यहाँ से। मैंने उसे सबक सिखाया। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ला ला ला। बहुत समय लग रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, तो हम खाएं? बिल्कुल। ओह, फैंसी। ये लो, कितना रोमांटिक है। लगता है तुम कुछ भूल गए। हमें चम्मच क्यों चाहिए? ठीक है, देखो। टेस्टी। बहुत गंदा है, पर ये प्यारा भी है। तुम नहीं खा रही? नहीं, ऐसे ही ठीक हूँ। पर मैं चाहता था तुम्हें पसंद आए। मैं अपने बैग में देखता हूँ। एक अंडा, ये यहाँ कैसे आया? एक 3D पेन। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एक अंडा लें और 3D पेन से इसके ऊपर ड्रॉ करें। अंडे पर एक स्पाइरल बनाएं, बिल्कुल इस तरह। अब स्पाइरल के आसपास भी लाइंस ड्रॉ करें। इसे फिल करना शुरू करें। जब ये हो जाए तो प्लास्टिक को अंडे से निकाल लें और इसके ऊपर हैंडल लगा दें। ये बन गया स्पून। अब 3D पेन से कुछ डिटेल्स बना दें। हम एक पॉ प्रिंट बनाएंगे, थोड़ी सी और डिटेल्स भी। अब चम्मच के अंदर एक चेहरा भी बना दे। हे यसी, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया। मेरे लिए? मुझे पसंद आया। यम्मी। वाह, अपना खाना चबा कर खाओ। आज का दिन सबसे अच्छा है। हम अब कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। पर तुम कमाल हो। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हे, मैं खेलती हूँ, मुझे भी एक बारी चाहिए। इसकी जगह तुम कुछ और कर लो ना। लो, मेकअप के साथ खेलो। खैर ठीक है, मुझे इसे अपने चेहरे पर लगाना है। लो, अब मैं इसे लगा सकती हूँ। हे भगवान, उसने कॉम्पैक्ट खराब कर दिया। मैं दोबारा बोर हो रही हूँ। अब मेरी बारी है। लो, मेरी वॉच से खेल लो। मेरे स्कोर्स बढ़ने ही वाले हैं। अब क्या करूँ, इतना तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ और भी होता। क्या 3D पेन मेरी मदद करेगा? हाँ, मुझे इसका हल मिल गया।
मुझे सही शेप चाहिए होगी। अब इसे फिल करेंगे। जल्दी करना होगा इससे पहले वो आ जाए। बस थोड़ा सा और। अब इसे बनाते हैं ताकि 3D लगे। हाँ बढ़िया। अब ऊपर थोड़ी स्क्विगलीज। इसके शेप बहुत बढ़िया आए। हो गया। देखो अब ये ऊपर नीचे होता है। हाँ शायद ये काम करेगा। ओ नहीं वो आ गई। कंट्रोलर छपाना होगा। माफ करना अब वो मेरे पास नहीं है। खैर वो कहाँ गया? अह तुम बहुत मतलबी हो। फिर काम किया। वो जा रही है। अब मुझे कंट्रोलर को निकालना होगा। ये कैसे हुआ? मुझे पढ़ना ही होगा। ठीक है ये ठीक लग रहा है। अब मैं समझ गई। लेकिन अगर मैं मेरा सर आउच। कूल गाइस क्लास। हे भगवान। ठीक है शांत रहो। ये बहुत अच्छा मौका होगा। ओह अब चलो अंदर चले। हे मेरे भगवान ये तो कमाल ही हो गया। देखो इस क्लासरूम में कितने कूल लोग हैं। वो उधर कोने में टैटूज बना रहे हैं और ये लड़का यहाँ गिटार बजा रहा है। कितना कूल है। करते रहो ये सबसे अच्छा टैटू होगा। ओह लगता है उसे दर्द हो रही है। उम्मीद है इनकी नीडल्स ठीक है। ओह लगता है ये अच्छी होगी। शायद नहीं। वो उसने उसे आर्म रेसलिंग में हरा दिया। हे भगवान वो तो टीचर है। क्या एक ड्रेस को? खैर अब मुझे क्या करना होगा देखते हैं। ओह पियर्सिंग्स। इतनी सारी पियर्सिंग्स। हाँ अब मैं क्या करूँ? मैं इस क्लास के लिए इतनी कूल नहीं हूँ पर मैंने ये होमवर्क किया है। हे एक सेकंड रुको। पेपर क्लिप। हे भगवान मैं इसके साथ कुछ कर सकती हूँ। जी हाँ मुझे इसके लिए एक पेपर क्लिप चाहिए। 4 काफी होंगे। और अब मुझे एक वायर कटर चाहिए। बस इन हुक्स को मैं अपनी नोज और लिप्स पर पहन लेती हूँ। अब कपड़े और बाल भी बदलने होंगे। जरा मैं इस बार क्लास से मिलूं। कितने कूल है। हमारी क्लास में तुम्हारा स्वागत है। रॉक ऑन। हमारी जैसी। उसके पियर्सिंग्स को देखो। वाह मुझे वो बहुत पसंद आए। मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। ये क्लास की बात करना प्लीज। हाँ ठीक है। आओ मेरे साथ वाले डेस्क पर बैठो। हाँ मैं सही थी। ये पॉपकॉर्न सच में अच्छे है। वो कहाँ है? वो कहाँ है? शायद उस तकिए के नीचे। तुम क्या कर रहे हो? ये तकिए मुझ पर फेंकना बंद करो। आपके पैरों के नीचे देख लेती हूँ। कुछ नहीं हुआ। मैंने हर जगह देख लिया। तुम्हें क्या हुआ है? मेरा एक इयररिंग घूम गया और मुझे मिल नहीं रहा। हाँ खैर ये लीफ उसकी तरह लग रही है। बस एक मिनट मैं अभी तुम्हें ठीक करके देती हूँ। 3D पेन एक और बार मदद करने आ रहा है। ये रंग बहुत अच्छा है और देखो कितना चमकदार भी। अब दूसरी साइड। असली लीफ को ट्रेस करना और मजेदार है। हो गया अब इसे निकाल लेते हैं। और ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। अब वेविंग बनाने के लिए हुक अटैच करते हैं। बढ़िया अब एक और। ये पहनने के लिए तैयार है। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। लो बढ़िया मैंने ट्राई करूं। कैसे लग रहे हैं? बढ़िया है ये। हे भगवान मुझे बहुत पसंद आए। ये बिल्कुल असली लीव्स की तरह लग रहे हैं। बहुत सुंदर। खैर तो चलो अब तुम और परेशान नहीं होगी। सफाई करना मेहनत का काम है। मैंने आखिरी बार सफाई कब की थी? ध्यान दो। ये तुम चूरा फैला रही हो। ध्यान दो। मैं देख नहीं पा रही। जूली स्क्रीन की तरफ देखो। ओ नहीं अब वो क्या करने वाले हैं? मुझसे ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। अरे आराम से खाओ। प्लेयर 456 तो हारने वाला है। मुझे देख देख कर बहुत भूख लग रही है। तुम ये काफी देर से देख रही हो। तुम आखिरी बार नहाई कब थी? तुम्हें इसकी जरूरत है। ये थोड़ा बेहतर है। तुम जानती हो हमें अब कुछ करना होगा। ये बन गया
एक फॉइल हेड। टडा! पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसे ट्रेस करने के लिए ब्लैक ग्लू इस्तेमाल करें। जब ये हो जाए तो वुड से भी एक ऐसी ही शेप बनाएं और इस तरह की स्क्रिप्ट इस्तेमाल करें और सब साथ में स्टेपल कर दें। परफेक्ट, अब ये फॉइल हेड के ऊपर रहेगा। और अब मास्क बनाने के लिए ब्लैक ग्लू इस्तेमाल करें, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। एक क्वार्टर पूरा हुआ, बस इसमें ऐसी क्रिस क्रॉस लाइंस बनानी है, कहा था ना सबर से काम होगा। अब दूसरी तरफ, समय कैसे बीतता जा रहा है ना। फिर अब व्हाइट की बारी। अब आप समझ रहे हैं, अगर आपने स्क्विड गेम देखा है तो आप जानते हैं कि ये क्या है। डरावना है ना। बस एक और एपिसोड। फोकस। हाय। हाँ? क्या ये नहीं हो सकता। मुझे मारना मत, मुझे नहीं खेलना। बद्दू बनाया। ओह, ये कितना कूल है। मैं इतनी ही टैलेंटेड हूँ, कितना असली लग रहा है ना। ये मेरा अपना क्राफ्ट है। जूली देखो, क्या इसे भी तुमने बनाया है। मुझे नहीं पता ये कौन है। तो वो कौन है। जल्दी भागो। इस कमरे की सफाई हो ही गई। हाँ, ये क्या है क्रम्ब। हे, मैं याद हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकती। ये लो। ये अच्छी चाय है, बहुत अच्छा लग रहा है। एमा, नहीं! बिना कोस्टर पे टेबल पर नहीं रखना। उसके ऊपर निशान आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसे बचा सकती हूँ। एमा रुको। मॉम, आपने ऐसा क्यों किया। मैं सफाई कर रही हूँ ना, और मैं नहीं चाहती टेबल पर निशान आए। जरा अपनी चाय अपने हाथ में ही रखो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। यही रुको, मैं अभी आती हूँ। एक ऑरेंज का सूखा हुआ स्लाइस लेंगे, कितना सुंदर है। अब इसके आसपास हॉट ग्लू गन से एक सर्कल बनाएंगे। ये रेजिन के लिए मोल्ड होगा। स्लाइस के ऊपर अच्छे से रेजिन डाल देंगे। हो गया, अब इसे सेट होने देते हैं। बढ़िया है, कोनों से इसे गोल्ड पेंट किया है, इससे और सुंदर लगेगा। हनी, सारी परेशानियों का हल मिल गया, मैंने एक कोस्टर बनाया। ओह, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं लेती हूँ। अब कोस्टर को ट्राई करते हैं। वाह, ये तो काम किया। भगवान का शुक्र है। मुझे पॉपकॉर्न पसंद है, स्नैक्स में खाना बढ़िया रहता है। आखिरकार बर्तन साफ हुए। ओ नहीं, एक और मग। इसे भी साफ कर दो प्लीज। हाँ ठीक है, मग इतना गंदा कैसे हो जाता है। ये क्या, मेरा हाथ। ओह नहीं, क्या ये टूट गया। वो शुक्र है बच गया। नहीं, उनका फेवरेट मग टूट गया, वो मुझे मार डालेंगी। रखो, शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। मुझे ग्लू भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास मेरा 3D पेन है। मैं क्रैक को कवर करूँगी, ये कलर एक ही है तो ये नजर भी नहीं आएगा। और मैं इसे पूरे हैंडल पर करूँगी, एकदम कोने पर। इसे ज्यादा चाहिए भी नहीं। हो गया, एक तरफ से हो गया। अब दूसरी तरफ, मैं यहाँ भी ऐसे ही करूँगी। ये साइड भी हो गए, पूरा हुआ। अब ऊपर और नीचे से भी कर देते हैं। हैंडल एक मग का सबसे जरूरी हिस्सा है, तो इसे अच्छे से सिक्योर करना जरूरी है। हो गया, और हैंडल जुड़ भी गया। ओह, ये लो तुम्हारे लिए जूस। हाँ, लगता है तुमने हैंडल को टेक्सचर दिया है। क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं। खैर, इसे अब पकड़ना आसान है। जूस के लिए शुक्रिया। शुक्र है ये काम किया। वो, ये बहुत बड़ा मॉनिटर है, और ये बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, और इसमें कुछ कॉर्ड्स भी हैं। ओ, बहुत सारी कॉर्ड्स। इतनी सारी क्यों है। शायद ये पीछे लगेगी, और ये वाली यहाँ, और फिर ये वाली। बहुत काम था, अब हर जगह कॉर्ड्स हैं। मैंने कितनी प्यारी रिंग्स बनाई।
ओह वाह, वो तो फंसी पड़ी है। यहाँ बहुत कॉर्ड्स हैं। हाँ? हे, हम इसे ठीक करने के लिए 3D पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, मैं यहाँ कॉर्ड लगाऊंगी और फिर पेन से ड्रॉ करूंगी। देखा, इसने उसे टिका दिया। टाडा! और अब ये कलरफुल भी है। अब मैं इसमें प्लग कर दूं। हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है मेरा दांत निकल आया। चलो इसे ले जाओ टूथ फेरी, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं। बकवास, हटो यहाँ से। हाँ? हे भगवान, ओह नहीं, मुझे इसे बचाना होगा। शायद ये छड़ी खराब हो गई है। बिल्कुल, वो उठ रही है। आपने अपनी फेवरेट डिश तोड़ ली है। तो कोई बात नहीं, 3D पेन से ठीक कर देगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा पर काम बन जाएगा। बॉर्डर बन गए हैं। अब इसमें लाइंस बनाएंगे बिल्कुल इस तरह। हमने लगभग आधा कर लिया है दोस्तों। अब दूसरी डायरेक्शन में भी यही करें। ये इस तरह का दिखना चाहिए। बढ़िया है ना, उसे पुराने वाली डिश की याद भी नहीं आएगी। तो चलो। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मैं यहाँ इसीलिए तो आई थी। मुझे यहाँ पर दांत की खुशबू आ रही है। बिंगो! इसकी जगह पर एक पेनी रखनी चाहिए। तुम्हारे साथ काम करकर अच्छा लगा। ओ, सच में? हाँ, क्या कल रात क्या हुआ था? शायद हमने कुछ ज्यादा ही पार्टी कर ली। विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो रही है। वाह, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। चीयर्स! मैं वो दोबारा नहीं करूँगी। फ्रेश हो जाती हूँ। देखो कितनी गड़बड़ है। बहुत बढ़िया, अब मुझे साफ भी करना होगा। मेरे मेकअप को क्या हो गया? रुको, कुछ मेरी तरफ आ रहा है, शायद वो एक क्लब था। वो आज मिया का दिन है, चलो पार्टी करें। ओह या लेडीज, अब कौन गाएगा? ओप्स, माफ करना, चलो चले। वाह, कितनी शर्म की बात है। और ये मेरे बाथरूम में है। मेरे टॉयलेट को क्या हो गया? ये बहुत अजीब है, बस इससे बुरा कुछ ना हुआ हो। रुको, ये रात सबसे अच्छी है, हमें हर वीकेंड ये करना चाहिए। मैं ये तो हर वीकेंड नहीं करूंगी, मुझे हर तरफ दर्द हो रहा है। हाँ? ये कहाँ से आ गया? ओह, चलो खेलें। मैं पॉपेट जीतना चाहती हूँ। चलो दबाओ। वाओ, हमें कर दिखाया। ये इतना भी बुरा नहीं है। ओह नहीं, मेरी रिंग। ये ठीक नहीं हुआ, मैं कहाँ हूँ? आज तो मेरी शादी है ना, मुझे रिंग चाहिए। मुझे कुछ सोचना होगा, चलो काम पर लग जाए। पहले एक मफिन ट्रे चाहिए। मैं ट्रे में क्लियर एपॉक्सी रेजिन डाल देती हूँ। अब रेड पेंट के थोड़े ड्रॉप्स डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर देंगे। स्वॉल बनाने के लिए पेंट ब्रश इस्तेमाल करते हैं। इसके सेट होने से पहले इसमें एक रिंग डाल देंगे। लगता है ये तैयार है। हाँ, मैं टाइम पर आ गई, चलो शादी करें। चॉकलेट बहुत अच्छी है। मुझे चिंता हो गई थी। ओह हनी, अपने रिंग मत भूल जाना, ये तो बिल्कुल फिट आ गई। ओह कितने रोमांटिक है, हमारी शादी हो गई, अब मैं ब्राइड को किस कर सकता हूँ। वाह, कितनी जबरदस्त पार्टी है। हे, इन लाइट्स को तो देखो। हे, इतनी जल्दी नहीं, शांत रहो मेरी तरह। हे भगवान, वो केविन है। हाय, यहाँ पर कौन से स्नैक्स हैं? ओलिविया, वो कहाँ चली गई? ओलिविया, ओलिविया! हाँ, ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं स्नैक टेबल पर थी। भगवान का शुक्र है, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। मैं चाहती हूँ तुम उन सितारों की तरह चमको। एक बड़ी सी पॉप्सिकल स्टिक ले और सबसे सुंदर वाला ग्लिटर।
जितना नियॉन हो उतना बेहतर रहेगा। अब रेजिन डालते हैं, इतना काफी है। इसे छोटे से प्लास्टिक कप में डालेंगे, ज्यादा नहीं। अब इसके ऊपर ग्लिटर डालेंगे, वुडन स्टिक से अच्छे से मिला दें। देखो ये कितना गूई है, इसका मतलब अब इसे रख देंगे। पर तब तक इस तरह का एक प्लास्टिक कंटेनर ढूंढ लें और इसके अंदर ध्यान से मिक्सचर डाल दें। जितना आप आराम से डालेंगे उतना गन कम मचेगा। अब हम इंतजार करेंगे कि मोल्ड से बाहर आने के लिए तैयार है, जैसे हार्ड प्लास्टिक होता है। इसे चेन में डालें और ये तैयार है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, अब खुद की क्या तारीफ करूं। अब ओलिविया के पास चलते हैं। ये लो, वो ये सच में चमक रहा है। अब मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ पाऊंगी। फिर मिलते हैं। ये सॉन्ग मेरा फेवरेट है। ओह हे, वाओ, रुको, मुझे वो अभी भी दिख रही है। रुको, नहीं वो चली गई। ओह नहीं, रुको, शायद मुझे कुछ दिखा, वो चमक रहा है। दिख गई ओलिविया। रुको, ये मॉब कहाँ से आया? यार छोड़ो, शुक्र है तुम मुझे मिल गए, तुम दोबारा खो जाती। ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। ओह शुक्रिया। ओह अब बेहतर है। अगर तुम ओलिविया हो तो तुम कौन हो? ओह मुझे माफ कर देना, बेवकूफ औरत। हाँ बहुत हुआ, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। आपका काम, माफ करना, तो मैं कह रही थी आपका काम सिर्फ इनके देखभाल करना होगा। ओह कितने सुंदर हैं, ये वाला कितना प्यारा है। बाल बाल बचे, आप ध्यान दे भी रही हैं। बढ़िया, मेरे साथ आओ, ये रहा वाटरिंग कैन। वाह काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये थोड़ा आसान लगता है, इन्हें ज्यादा पानी मत देना। ठीक है। ओ, नहीं, ये क्या गड़बड़ है, साफ करो इसे। हाँ बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं चाहती हूँ तुम ये पॉट साफ करो। ओप्स। सांस लो, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, ये तो ठीक नहीं हुआ। हालांकि मैं जानती हूँ सब ठीक कैसे होगा। हमें इस प्लांट पॉट को फेंकना नहीं है, बस एक 3D पेन लें और पॉट के इस साइड पर ड्रॉ करना शुरू करें। बिल्कुल कोनों कोनों पर प्लास्टिक लगाना शुरू करें। कोई स्पॉट छोड़ मत देना, बस हो ही गया। जब ये हो जाए तो इस तरह एक स्ट्रैंड ऐसे ही छोड़ दें। हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं। परफेक्ट, अब इस तरह इसके ऊपर लाइंस बनाते जाएं और अब इसे फिल करें। इसमें थोड़ा समय लगेगा पर अच्छी चीज बन जाएगी। दोबारा कोई भी गैप मत छोड़ना। अब कोई भी क्रैक हो तो उसे 3D पेन से फिल कर लें। इससे ये टूटेगा भी नहीं और मजबूत भी हो जाएगा। अब हम इसे कलर करते हैं। कितना अलग है ना। हाय, अरे वाह, ये हुई ना बात। और कोई चीज मत तोड़ देना, समझ गए। माफ करना। तो आप दोनों शादी के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। मैं भी। हाँ तो ठीक है, चलिए एक दूसरे के हाथ पकड़िए। हाँ बिल्कुल इस तरह, बहुत ही बढ़िया। ओह रिंग्स कहाँ है? अरे हाँ रिंग, वो मेरी पॉकेट में ही थी। हाँ वो यहीं पर थी, ये लो। मैं इसे देखना चाहूंगी एलेक्स। ये रिंग बॉक्स तो खाली है, अब क्या होगा? हाँ रिंग, वो कहाँ है? शादी पर रिंग ही नहीं है, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, वो तो बस मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। हे भगवान कितना बुरा हुआ, रिंग कहाँ चली गई? मुझे जल्दी से कुछ ढूंढना होगा। ये नहीं चलेगा। नहीं शायद इसमें कुछ और है। हे ये तो हॉट ग्लू गन है, ये काम आएगी। ठीक है ये रहा रिंग बेस, पर इस पर जेम स्टोन लगना चाहिए, हॉट ग्लू काम आएगी। यहाँ पर एक गोल्डन ग्लोब लगाएंगे और अब ग्लिटर, पर्पल उसका फेवरेट कलर है तो यही लगाते हैं। ये हुई ना बात, कितना शाइनी और स्पार्कली है। हाँ इसे रिंग बॉक्स में रखेंगे, आज मेरी शादी है। शुक्र है मेरे पास ग्लू गन थी। बाल बाल बचे। वापस आ गया, चलो अब शादी करें। मैं आ ही गया,
मैं आ गया हूँ। हाँ, ये रही मिसिंग रिंग, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। मिकी, तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल करूँगी। हे भगवान, ये तो पर्पल है, मेरा फेवरेट। मुझे ये सब बहुत पसंद है और ये रिंग बहुत खूबसूरत है। ओ मिकी, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आई। और मिकी, अब हमें एलेक्स की रिंग चाहिए। रिंग? एलेक्स के लिए रिंग? अरे हाँ, वो यही कही थी। हम बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ मैं बस अभी आई। और वो गई, थोड़ा समय लगेगा। रॉक पेपर सिजर्स खेले? ठीक है, चलो एक गेम खेलें। मैं इस नेकलेस को कप के नीचे रख देती हूँ, इन्हें आगे पीछे करो और नेकलेस वाले पर अपनी नजर जरूर रखना। इतना काफी है? ठीक है, कौन से कप के नीचे नेकलेस है? पहले में, दूसरे में या तीसरे में? हाँ, मुझे बबल्स बनाना पसंद है। क्या? अरे नहीं, ये तो खराब है, ये काम नहीं करेगा। मैं तो बस बबल्स फुलाना चाहती थी। फेरी यहाँ है। मैं बबल्स नहीं बना पा रही। अच्छा तो ठीक है, मैं इसका कुछ करता हूँ। वॉन्ड को छोड़ो, मेरे पास 3D पेन है और ये ज्यादा बेहतर है। हाँ, पैटर्न बन गया, अब इस पर 3D पेन चलाएंगे। वॉन्ड का हैंडल ग्रीन कलर से बनाएंगे, ये देखो। अब स्टार पर येलो करेंगे और अब सर्कल्स में रेड। अब ये आसान हो रहा है और हो गया, ये मैजिक वॉन्ड तैयार है। हाँ देखो, मैंने एक बबल वॉन्ड तुम्हारे लिए बनाई। ओह ये खूबसूरत है, और बबल्स को देखो। ये बबल्स बहुत ही सुंदर है। हाँ तो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ये क्या है? ये हाँ? मॉर्निंग। इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। ओह तो ये कैसा रहेगा? अच्छा मैं भी ये कर सकती हूँ। दिलचस्प है, पर क्या तुम अपने बाल ऐसे कर सकती हो? मुझे ऐसा नहीं लगता, ये काफी अलग है और इसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे से टिक जाते हैं, देखो। ओ, मैं भी ये कर सकती हूँ, ये वाला। अब मैं इसे लगाऊं कैसे? ओह अजीब है, याइक्स। ये लगाते हैं। ओह मुझे कुछ स्टिकी चाहिए, ये चलेगा। चलो इन क्लिप्स को किसी चीज में बदले। कुछ और टूल्स भी चाहिए होंगे। ये क्लिप देखो, ब्लू पेन से एक मजेदार डिजाइन बनाते हैं। मैं अपना फेवरेट कलर चुनूंगी, ब्लू। एक लंबी से इस तरह की लाइन बनाएंगे, बनाते जाएं, और लंबी। बस हो ही गया, देखो कितना बड़ा स्पाइरल बन रहा है। ये हार्ड हो जाएगा और शेप में भी रहेगा। ऐसा लग रहा है मैंने खुद का स्प्रिंग बनाया है, कितना बाउंसी है। वो अब क्लिप्स को बालों में लगाएंगे, कितने मजेदार रंग है ना, बढ़िया। सबसे जरूरी हिस्सा तो भूल ही गई, तुम्हारे जैसे कमाल के कर्ल्स। ओह देखो वो कैसे मटक कर चलती है। मुझे ग्लिटर इस्तेमाल करना पसंद है, इससे जिंदगी रंगीन हो जाती है, और वो किसे नहीं चाहिए, इतना काफी है। अब इस पर रेजिन डालेंगे, ये बहुत सुंदर दिखेगा। ये मेरे सबसे अच्छे आइडियाज में से एक है। ध्यान से सनी, मैं जानती हूँ क्या करना है, पर तुम क्या कर रही हो? मैं आर्ट बना रही हूँ, जाओ यहाँ से। तुम बहुत अजीब हो, जो भी हो मैं जा रही हूँ। नहीं बचाओ, मुझ पर कैंडीज ने अटैक कर दिया। ओह बहुत हुई है स्केटबोर्डिंग। हाँ लगता है ये अच्छा आइडिया है। ओह देखो तुमने क्या किया, ये खराब हो गया। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, रबर मोल्ड में बड़ा सा होल करेंगे। अब इसमें क्लियर एपॉक्सी रेजिन डालेंगे, सरफेस बिल्कुल साफ और लेवल का होना चाहिए। रेजिन में कोई फालतू चीज नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल इवन लेयर में होना चाहिए। इसे करने में कितना मजा आता है ना। हाँ लगता है इतना रेजिन काफी होगा। अब इसमें कैंडी पीसेस डाल देंगे, अब और रेजिन डालेंगे। बस ध्यान रहे कि कैंडी अच्छे से कवर हो जाए, जब ये हो जाए तो इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब मोल्ड को हटा देंगे, अब ट्रक्स और व्हील्स लगाएंगे। ये दिख रहे हैं, अब बन गए कस्टम स्केटबोर्ड और ये काफी स्वीट है। आपने ऐसा कुछ कभी पहले देखा है? ये खाने में भी अच्छा रहेगा, मुझे तो पसंद आया।
हे सनी, देखो ये तुम्हारे लिए है। क्या सच में? मेरे लिए? सच में कमाल है। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। दादी के साथ अच्छे से रहना, समझी? और तुम इस पर नजर रखना, डिनर पर मिलते हैं। टूडल्स। मैं बोर हो गई। डैडी, आप मेरे साथ खेलोगे? मैं इसका क्या करूं? ओह, इतना भारी था। मैं यहाँ पर और क्या कर सकती हूँ? वो मॉम की ड्रेसेस तो देखो, ये वाली मेरी फेवरेट है। अरे वाह, ये देखो मॉम का सारा सामान। हे भगवान, ये तो खजाना है। क्या ये मुझे फिट आएगा? कूल। आखिरकार सब हो गया। एवा, ये तुम क्या कर रही हो? आपको अच्छा लगा? ये सारा सामान मॉम का है। याद रखना, मेरे सामान को हाथ नहीं लगना चाहिए। ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं एवा को उसके लिए जूल्स दे देता हूँ और ये उसे फिट भी आएंगे। रिंग बनाने के लिए एक क्राउन के शेप बनाएंगे। और बाकी की शेप्स भी बनाएंगे। कितना बढ़िया स्टार है। आप अलग अलग रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे हार्ट्स बहुत पसंद आएंगे। इसमें तो रेड कलर ही होना चाहिए। बस हो ही गया। कितना सुंदर है ना? बीच में एक डॉट और इसके साथ रिंग अटैच हो जाएगी। देखो कितनी सारी है। और ये सब तुम्हारी है। कितनी खूबसूरत है ना? थैंक यू डैडी। और अब ये पहन लो। ये हुई ना बात। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ला ला ला। बहुत समय लग रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, तो हम खाएं? बिल्कुल। ओह, फैंसी। ये लो, कितना रोमांटिक है। लगता है तुम कुछ भूल गए। हमें चम्मच क्यों चाहिए? ठीक है, देखो। टेस्टी। बहुत गंदा है पर ये प्यारा भी है। तुम नहीं खा रही? नहीं, ऐसे ही ठीक हूँ। पर मैं चाहता था तुम्हें पसंद आए। मैं अपने बैग में देखता हूँ। एक अंडा, ये यहाँ कैसे आया? एक 3D पेन। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एक अंडा लें और 3D पेन से इसके ऊपर ड्रॉ करें। अंडे पर एक स्पाइरल बनाएं, बिल्कुल इस तरह। अब स्पाइरल के आसपास भी लाइंस ड्रॉ करें। इसे फिल करना शुरू करें। जब ये हो जाए तो प्लास्टिक को अंडे से निकाल लें और इसके ऊपर हैंडल लगा दें। ये बन गया स्पून। अब 3D पेन से कुछ डिटेल्स बना दें। हम एक पॉ प्रिंट बनाएंगे। थोड़ी सी और डिटेल्स भी। अब चम्मच के अंदर एक चेहरा भी बना दे। हे ऐसी, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया। मेरे लिए? मुझे पसंद आया। यम्मी। वाह, अपना खाना चबा कर खाओ। आज का दिन सबसे अच्छा है। हम अब कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। पर तुम कमाल हो। हाँ हाँ, ये आखिरकार आ ही गया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं कब से इसके आने का इंतजार कर रही थी। हाँ चलो, अब इसे खोले। चलो, मैं ये कलर्स देखने का इंतजार नहीं कर सकती। हाँ अब मैं इसे खोलती हूँ। ये देखो। हे भगवान, कितने खूबसूरत है। इसमें ग्लिटर पैलेट्स भी है। मैं इसे अभी के अभी ट्राई करूंगी। वाओ, मुझे लगा था मैं बाहर आ ही नहीं पाऊंगी। हाँ मिल गया, मेरा सबसे फेवरेट लकी मेकअप ब्रश। परफेक्ट। पहले सालमनी पिंक से शुरू करेंगे। अच्छा, वो अपना मेकअप कर रही है, चेहरे पर कलर लगा रही है। ये कलर बहुत अच्छा है। हे, मेरा भी कर देना। हाँ, ये बजिंग की आवाज कैसी है? तो तुम्हें ये कैसा लगा? मैं इस पर कूद रही हूँ, फिर उस पर कूद रही हूँ।
हाँ? आओ। हटो यहाँ से। विश्वास नहीं हो रहा, बहुत हुआ, अब मैं अपना जादू करती हूँ। ये लो, ये भी और ये भी। हाँ देखते हैं। हाँ? मेरे चेहरे को क्या हो गया? तुमने मुझे उड़ाया तो तुम्हें यही मिलेगा। नहीं, तुम्हें इसे ठीक करना होगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओह अच्छा, तो मुझे भी ये मेकअप चाहिए। खैर, शायद मैं कर सकती हूँ। ओह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, हमें पॉलीमर प्ले चाहिए होगी। देखो, हमने पैलेट का मिनिएचर वर्जन बनाया है। अब ऐसा टूल लेंगे और थोड़ा सा पाउडर इसमें से निकालेंगे और इसे बिल्कुल यहाँ पर इस तरह लगा देंगे। अब ये येलो वाला इसके ऊपर प्ले रख देंगे तो ये कवर की तरह काम करेगा। अब पेंट करेंगे ताकि ये बोरिंग ना दिखे। ये लैवेंडर कलर कितना सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। अब डार्क पर्पल करेंगे, मैं बड़े वाली से मैच करने की कोशिश कर रही हूँ। लो, बस थोड़ा सा टच अप और हो गया। टाडा! और फेरी के लिए एक जैसे मेकअप केसेस। ये लो, ये मैंने तुम्हारे हिसाब से ही तुम्हारे लिए बनाया है। हाँ, मुझे पसंद आया, अब मैं इसे चेहरे पर लगा सकती हूँ। हाँ, अब तुम मेरा चेहरा ठीक कर दो प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, डील तो डील है। ये रहा मेरा जादू, हो गया। हे भगवान, ये तो पहले से भी बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो सबसे अच्छी हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे शाइनी कलर्स पसंद आए, बहुत ही अच्छे हैं। ओह ओह, क्या दिन था, बहुत तेज नींद आ रही है। थोड़ा आराम तो करने दो, इस साइड हो जाती हूँ। बहुत तेज है, मुझे सोना है। हाँ अब बेहतर है। ये पिलो इतना अनकंफर्टेबल क्यों है? ये क्या बात हुई, पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ है। एक लात बाहर निकालती हूँ, इससे ठीक लगेगा। लेकिन बेड के नीचे मॉन्स्टर्स हुए तो ऊपर ही रख लेती हूँ, मुझे अब अच्छी नींद नहीं आने वाली। बिल्कुल, अब मुझे ठंड लग रही है। इस तरह या इस तरह? मुझे मेरे बेड से नफरत है, ये सबसे बुरी रात है। क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? हे, एक अंडा, इससे मुझे बहुत बढ़िया आइडिया आया। हम एक फोन केस और ग्लू गन लेंगे, बीच में एक ग्लू का सर्कल लगाएंगे और व्हाइट नेल पॉलिश से पेंट करेंगे। बढ़िया, अब इसके सूखने का इंतजार करते हैं। अगले स्टेप के लिए हमें एक येलो बलून चाहिए, ऊपर से काट लेते हैं। अब इसमें एक स्लाइम की बॉल डालेंगे, बिल्कुल इसी तरह। और अब इसे फोन पर लगाते हैं। ये स्क्विशी है, हो गया। ऐसा लग रहा है मेरे फोन केस पर एक अंडा है। ओह, ये स्क्विश बहुत रिलैक्सिंग है। वाह, अब मुझे नींद आ रही है। अंडे, ये कुछ भी कर सकते हैं। सफाई करने के लिए शुक्रिया मिस्टर ब्रोकली। हाँ, क्या? ओह, मैं सपना देख रहा था। पता नहीं क्या टाइम हुआ है, मैं फोन में देख लेता हूँ। मेरा फोन, नहीं, ये तो बहुत जोर से गिरा। नहीं नहीं नहीं, ये तो टूट गया। हे भगवान, बहुत बुरा हुआ। ये एक बुरा सपना है। ये क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? हाँ, मेरा फोन। hey, मैं वही हूँ जहाँ मैं गिरी, याद है? हाय, बड़ा सपना। हे भगवान, एक और बुरा सपना आया। हे भगवान, रुको, मेरा फोन। मेरा फोन जहाँ था वही है, फर्श पर नहीं। पर अब मैं डर गया हूँ और मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा हो। मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपना 3D पेन निकालता हूँ और कुछ करता हूँ। ये पर्पल इंक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। फोन केस पर कलर करते हैं, बस इस तरह ज़िगज़ैग बनाना है और थोड़ा और ज़िगज़ैग और ऊपर नीचे। इसे भरने के लिए बहुत सारी 3D इंक चाहिए होगी। ऊपर का हिस्सा हो गया, अब साइड्स करते हैं। बस ध्यान रहे कि अच्छे से कवर्ड हूँ। लो, मैंने पूरा फोन केस कवर कर दिया। मैंने इसे गिरा दिया। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं टूटा।
हे भगवान, मैं घबरा गया था पर मेरा नया केस काम आया। अब मैं वापस सोने जा रहा हूँ। वाह, इन जंजर को केस की खुशबू कमाल की है। वो आ गई। हे भगवान, ये बहुत खूबसूरत है। जब वो स्लो मोशन में हेयर शेक करती है तो मुझे और अच्छी लगती है। और उसके ग्लासेस कितने अच्छे हैं। वो पक्का इससे फ्यूचर देख सकती है। हाय, तुम्हें मेरी कुकीज चाहिए? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। ये बहुत अच्छी है। लो, तुम भी एक बाइट लो। हाँ, अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा ना। ये रूम कहाँ है? ठीक है, यही मौका है। मैं कर सकता हूँ, सब ठीक रहेगा। ओह नहीं, ओह, मैं इतनी जोर से गिरा। मैं किस चीज के ऊपर गिरा हूँ? ओह, एक कुकी कटर। अरे वाह, वो कितने खूबसूरत है। वैसे इससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। मैं एक हार्ट शेप कुकी कटर से एक हार्ट बनाऊंगा। अब हमें इसके बीच में फिल करना है। इसे साफ रखने के लिए मैं एक सिरिंज इस्तेमाल करूंगा। यूवी लाइट से जल्दी सूख जाएगा। पर हमें इसमें ग्लिटर भी चाहिए। ये छोटे दिल, तारे और फूल बहुत खूबसूरत है। ऐसा ही एक और इस पर लगा देंगे। शानदार। मैंने किचन तुम्हारे लिए बनाई। ओह वाह, तुमने ये मेरे लिए बनाई, मुझे बहुत पसंद आई। कितनी गहरी नींद आई। मैं कुछ अच्छा सुन लेता हूँ। हेलो, हे, मुझे सॉन्ग पसंद है। इससे मुझे डांस करने का मन करता है। पहन लिया। वुहू, मैं आज के दिन के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। शूज प्लीज। ओह हाँ, मेरे वॉक पर ध्यान मत देना, मुझे ऐसे करने में मजा आता है। क्या खुशबू है। नेचर बेबी। हे, ये लियाम है, कैसे हो? एवा, हाय। रुको, नहीं लियाम, मत जाओ। वो मुझे क्यों बुला रही है? लियाम, रुको, वहाँ बनाना है। उसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है ना? ओह नहीं, वो सब ठीक है, मेरी मूव्स को कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन ओह, अरे यार, मेरे हेडफोन्स। मेरा अच्छा समय खत्म हुआ। अब मैं किससे सुनूंगा? इसके मुकाबले इसका बेस तो बिल्कुल खराब है। लेकिन मैं ऐसा खुद भी बना सकता हूँ, मुझे बस एक 3D पेन की जरूरत है। अब इसे फिल करेंगे, लाइन बाय लाइन बनाते जाएंगे। अब इसके ऊपर ये लगाएंगे, पेंसिल से साथ में जोड़ दें। जब ये सूख जाए तो इन तीनों पार्ट्स को साथ में जोड़ दें। इसे यहाँ पर चिपकाएं। लो, ये बिल्कुल सिक्योर है। लियाम, तुम ठीक तो हो? ओह हाँ, जरा ये देखो, अब मैं दोबारा गाने सुन सकता हूँ। फिर मिलते हैं। ये इयररिंग्स विंटेज है और लाखों में एक। ये आपके फेस शेप पर बहुत अच्छे दिखेंगे। हे भगवान, हाँ बिल्कुल, मैं ये खरीदना चाहूंगी। हैया, हाँ मैं आ गई हूँ और चोरी करने के लिए तैयार हूँ। ओह नहीं, अलार्म बज गया, लगता है यहाँ पर कोई चोर है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। भागो। लगता है रास्ता साफ है, अब अपना काम करते हैं। हाँ बात सुनो, तुम केस संभालो, मैं बाकी सामान लेती हूँ। नहीं, ये नहीं चलेगा, हम साथ में केस उठाएंगे। तैयार हो? चलो। देखा ये कितना आसान था और ये काम किया। अब चलो यहाँ का सारा सामान लूट ले। तुमने ले लिया? हाँ मैंने ले लिया, मैंने भी ले लिया, कमाल है। हे, वो मत भूल जाना, जो भी बैग में फिटाए सब रख लेना। चलो चले। हे भगवान, ये हुआ क्या है? इस जगह को लूटा गया और वो सब चीजें ले गए। लगता है हाँ, कुछ डिस्प्ले आइटम्स भी ले गए हैं और मेरे इयररिंग्स भी। रुको, मैं जानती हूँ। पहले मैं पॉलीमर क्ले की पीसेस को एक के ऊपर एक रखूंगी। मुझे अलग अलग कलर्स चाहिए। अब इस ग्लास को क्ले पर रोल करेंगे। ये रोलिंग पिन की तरह काम करेगा और इन्हें साथ में जोड़ देगा।
हाँ, अब इस मजेदार टूल से हम इसे काटना शुरू करेंगे। इसे बिल्कुल सीधा सीधा काटना है, हमें स्ट्रिप्स बनानी है। ओह, ये देखो, ये रेनबो इफेक्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। पर अब ये पूरा नहीं हुआ, रोलिंग ग्लास वापस लेकर आएंगे। और आपको मालूम है ना क्या करना है? जी हाँ, रोलिंग। अब हमें कुकी कटर चाहिए। इस छोटे से स्टार से हम प्यारी प्यारी शेप्स काटेंगे। हो गया, मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ। हे भगवान, देखो प्यारा सा रेनबो स्टार, कितने प्यारे है ना। इयररिंग्स बनाने के लिए इस पर हुक्स लगा देंगे। अब हम इन्हें पहन सकते हैं। पहने। ओह, और इसकी हाइट भी बिल्कुल ठीक आ रही है। लगता है हम यहाँ पर कुछ भूल गए। मैं पहन लूँ? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। फिर मिलते हैं। हाँ। ये दो यूनिकॉर्न आज एक बंधन में बंधने वाले हैं। आई लव यू। हे भगवान, ये दोनों कितने प्यारे हैं। अगर कोई परेशानी ना हो तो एक दूसरे को रिंग पहनाइए। रिंग? हाँ। हे भगवान, वो कहाँ है? मैंने पक्का वो अपनी पॉकेट में ही रखा था। है एक इमरजेंसी है, मेरे पास रिंग नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? हे भगवान, उसके पास रिंग नहीं है। जरा रुको, मैं कुछ करती हूँ। मेरी ड्रीम वेडिंग खराब हो गई। मुझे कुछ तो करना होगा। मेरा नेकलेस, बस एक सेकंड दो। ये रहे बीन्स और ये रहा मेरा हेयर स्ट्रेटनर। पहले हॉट टॉन्ग के ऊपर हम थोड़ा वैक्स पेपर रखेंगे। बढ़िया, अब इसे लाइन में लगा देंगे और बीट्स को स्क्वीज करेंगे। ये देखो, बीट्स इस हीट से पिघलना शुरू हो गए हैं। देखो, ये पिघल गए और बिल्कुल फ्लैट हैं। अब हम इन्हें रिंग्स में रोल कर सकते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब मैं इसे अपनी उंगलियों में पहन लेती हूँ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारे एकदम फिट आ गए। मैं एक जीनियस हूँ। चलो इनकी शादी को बचाएं। ये लो, हाँ मिल गया। वाह, एक रेनबो रिंग, शानदार। ठीक है, अब मैं इस रिंग के साथ तैयार हूँ। लो, मैं तुम्हें ये पहना दूँ। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। अब तुम शादीशुदा हो। वाव, वेडिंग रिसेप्शन, ये डीजे तो कमाल का है। हाय मिस्टर, तुम इसमें जाओ। ये बहुत परफेक्ट होने वाला है। टाइम पर आ ही गई। हाय मैथ्यू। एमिली। मैं प्रेजेंट दे ही देता हूँ। रुको, वो क्या है? उसके पास पहले से ये टॉय है। इसमें अलग क्या हुआ? अब मैं उसको क्या दूँ? ये ईयरबड्स? ओह हाँ। बस पहले एक दो चीजें करनी है। सेफ्टी सबसे जरूरी है। तो चलो चलें। ओह ओह आउच। हाँ, अभी भी गिर रहा हूँ। ओह, बहुत ही मुश्किल था, पर मेरे पास अभी बहुत काम है। ये जगह खाली करो प्लीज। एक गिफ्ट से क्या बेहतर होता है? बिल्कुल पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, और ये लाखों में से एक होगा। बस इसे अच्छे से कवर करना है। लो, हो गया। अब इसका चेहरा पेंट करेंगे। शुक्र है मेरे पास बहुत सारी ग्लू है। ये उसका फेवरेट कलर है। अब छोटे छोटे डिटेल्स पर काम करेंगे। अब ये अच्छा बन रहा है ना? व्हाइट पार्ट्स मत भूल जाना, ये भी बहुत जरूरी है। परफेक्ट। अब बस आखिरी के कुछ टचेस और ये हो ही गया। कितना प्यारा है। और एक स्टेप और, इसे अच्छे से लगाएंगे तो इसमें जान आ जाएगी। ये परफेक्ट है ना। चलो ये दोबारा ट्राई करें। हे, ये तुम्हारे लिए है। अरे वाह, ये तो इससे बिल्कुल मैच करता है। तुम्हें ऐसी चीज कहाँ से मिली? क्या, मैं तो भूल ही गई थी। मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, तुम्हें पसंद आया? हाँ, अब हग करो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो क्लास, आप इसके लिए तैयार हैं? चलो एक टेस्ट लें। ये रही तुम्हारी कॉपी। हे, ये क्या है? पकड़ लिया। ये रहा तुम्हारा। वो, ये लो तुम्हारा टेस्ट। हे, वो क्या है? योइंक। ये क्या है? वो मेरे डोनट्स है ना।
देखते हैं। हाँ पक्का यही सही आंसर है। मुझे इसका भी आंसर मिल गया। हाँ गहरी सांस लो, मैं कर सकती हूँ, ये बस एक टेस्ट है। शायद मैं नहीं कर सकती, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। अरे तुमने मेरे डोनट से इस तरह बाइट ले ली। खैर मैं इसे वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाली। और ये देखो बस यहाँ साइन करना है और एक और टेस्ट हो गया। मैंने इसमें बहुत अच्छा किया है, अब बस मैं आराम करूँगी। हे भगवान, उसका टेस्ट पूरा भी हो गया, ये कैसे हो सकता है? रुको, शायद यही आंसर है। नहीं मैं कितनी बेवकूफ हूँ। रुको, शायद ये आंसर है। हे भगवान, डोनट्स, डोनट्स दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। ओह फ्रॉस्टिंग मेरे हाथ पर लग गई, साफ कर लेती हूँ। अगर मैं उसके बैग में से चीटिंग कर लूँ उसके पास आंसर जरूर होंगे। ओह लगता है ये काम नहीं करेगा, मुझे ग्रेस की जरूरत है। ग्रेस यहाँ देखो। क्या? ओह तुम्हें मदद चाहिए? ठीक है तो यहाँ लाओ। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, ये रहा जैसा तुमने कहा था। जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लो ये वाला गलत है और ये वाला भी गलत है। पता नहीं तुम्हें ये नंबर कैसे मिला, यहाँ पर ज्यादातर सारे आंसर्स ही गलत हैं। लो हो गया, अब तुम वापस ले सकती हो। हाँ अब मैं फेल नहीं होंगी, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना होगा। देखते हैं, ये रहा पेपर क्लिप और उसके पास डोनट्स है। ठीक है इसके लिए हमें थोड़ी पॉलीमर क्लिप चाहिए होगी, येलो वाला चलेगा। इसे पेपर क्लिप पर प्रेस करेंगे, अब बीच में इस तरह से प्रेस करना होगा और आसपास जेम्स लगा देंगे, क्योंकि स्पार्कल हो तो सब अच्छा लगने लगता है। अब ये काफी नहीं है, हमें ग्लिटर चाहिए होगा, इसे इस पर अच्छी तरह डालेंगे। हाँ और अब बस फालतू के ग्लिटर को उड़ा देंगे। हो गया, और कितना अच्छा लग रहा है। ओह टेस्ट रिजल्ट आ गए। हाँ हे भगवान कितने अच्छे स्कोर है। वाओ ओह मेरे भी स्कोर अच्छे है, मैं जानती थी। मैं इसका चूरा तक खाऊंगी। हाँ ये क्या है? Hey, इस पेपर पर और फ्रॉस्टिंग है। हाँ ठीक है, ग्रेस को सरप्राइज करते हैं, उसने मेरी काफी मदद की है। हे भगवान क्या ये सच में मेरे लिए है? बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत प्यारा है, मैं इसे बुकमार्क की तरह इस्तेमाल करूँगी। Hey, इस पेपर को चाटना बंद करो, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है, ये तो डोनट जैसा लग रहा है। शुक्रिया, मुझे ये बहुत ही पसंद आए, आपको कैसा लगा? भागो, हम बारिश में गीले हो रहे हैं, लगता है ये रुक गई। भगवान का शुक्र है। हाँ काफी मुश्किल हो रहा था। ओह नहीं मेरा चेस बोर्ड, ये तो खराब हो गया, पता नहीं ये हुआ भी कैसे। सुनो यही रहना, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं ठीक है, मैं लगभग तैयार हूँ, बस अपना चेहरा बचाना होगा। ग्लव्स तैयार है, चलो काम शुरू करें। ये रहे मेरे मोल्ड्स, अब मैं इसमें थोड़ा ग्लिटर डालती हूँ। ठीक है अब मैं इसे अपने मोल्ड्स में डालती हूँ, ज्यादा नहीं। अब इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा रेड और बिल्कुल थोड़ा ग्लिटर, बढ़िया। अब इसे दूसरे मोल्ड में डालते हैं, परफेक्ट। अब इसे सेट होने देते हैं और लगता है ये पूरा हुआ। हाँ ये निकल गया, काफी बढ़िया बन रहा है, मुझे ऐसे थोड़े और बनाने होंगे। ये बनना शुरू हो गया है पर मुझे और क्लियर मिक्सचर चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी ठीक लगती है। अब इसे मोल्ड में डाल देते हैं, सारे स्क्वायर शेप में इसे भरेंगे और जो पहले से बना रखे हैं उन्हें भी यहीं लगा देंगे और बिल्कुल सही अमाउंट होना चाहिए। इस आखिर वाले को छोड़कर बाकी सारे फिल हो गए हैं, पूरा हुआ। हे भगवान कितना बढ़िया लग रहा है। हे और उदास मत हो, मैंने तुम्हारे लिए नया चेस बोर्ड बनाया। मेरे लिए? वाह ये तो बहुत जबरदस्त है। हे तुम खेलना चाहोगी? ध्यान से, ये तो बहुत क्यूट है। जो भी है मुझे तैयार होना चाहिए, ये बेल्ट कितनी प्यारी है, बस ये थोड़ी छोटी है। ओ नहीं मेरे नेल्स, नहीं ये खराब हो गए, बहुत बुरा हुआ। अपने आप को देखो, मेरे ऊपर छोरे नेल्स। लूजर तुम सबसे बुरी हो। कोई बात नहीं मैं ये ठीक कर सकती हूँ, ये काम आएगा। समझ गए, इमरजेंसी नेल रिपेयर करने के लिए पहले अपनी उंगलियों पर टेप लगाएं, अब एक वुडन स्टिक लें और इस टेप को नेल में प्रेस करें, और अब एक पेन से आउटलाइन बनाएं, अपने नेल से टेप को निकाल लें,
अब उसे फ्लैट सरफेस पर रखें और अब बाकी का नेल बना लें। ओवल शेप बनाएं, 3D पेन लें और नेल टेम्पलेट को फिल कर लें। लाइंस के बीच बीच में रहना चाहिए। अब कुछ पेंसिल या वैसा ही कुछ लेकर इसे थोड़ा मोड़ कर एक कर्व बना दें। अब टेप से फेक नेल निकाल दें। आराम से करें, हमें नेल तोड़ना नहीं है। अब फालतू का प्लास्टिक काटने के लिए नेल सीजर्स इस्तेमाल करें। इंक के साथ साथ काटना है। अब हमें इसे बस लगाना है। अब इसे बाकी उंगलियों पर भी लगा दें और पाए शानदार नेल्स, अच्छे लग रहे हैं। वाह, अब मैं तैयार हूँ, ये कमाल के लग रहे हैं। हो, हे, ध्यान से हटाओ इसे। हटो, तुम्हें हुआ क्या है? जरा टाइम देखो, सफाई करने का टाइम है। निकलो यहाँ से। बहुत हुआ, ये लो, भागो यहाँ से। मैंने उसे सबक सिखाया। स्विंग से बेहतर और कुछ नहीं है। मैं आ रही हूँ क्लेयर। वुहू! देखो मैं कितनी तेज भाग सकती हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखने के लिए शुक्रिया। वो मेरा फोन, कोई उसे बस पकड़ ले। मैंने पकड़ लिया, बस पकड़ लिया। ये लो, बाल बाल बचे। नहीं, बस इस पर स्क्रैचेस ना आए हो। तुमने फोन केस के बारे में सुना है? पर ये तो बहुत डर लग रहा है। जैसी तुम्हारी मर्जी। समझ गए। अगर आपको भी एक प्यारा सा फोन केस चाहिए तो इस पर 3D पेन से डिजाइन बनाए। तुम्हें पता है मैं क्या बना रही हूँ? मैं हिंट देती हूँ, इसमें बहुत सारे कलर्स होंगे। शुक्र है मैं ये सारे ले आई थी। अब ग्रीन वाला ले आओ, इसमें बहुत सारे लाइंस बनेंगी। और ग्रीन के बाद मैं इसमें एक सुंदर सा ब्लू कलर करूंगी। देखो कितनी प्यारी लाइंस हैं। और बस ये बुरा होने ही वाला है, पर यहाँ पर थोड़ी धूप भी होनी चाहिए, इससे कोई भी खुश हो जाएगा। जब ये सूख जाए तो इसे अपने फोन पर लगा लें। मेरा नया फोन केस तो देखो, ये बहुत बोरिंग नहीं रहा है ना? क्या बात है, अब वापस काम पर लग जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं आता क्लेयर। अच्छे फिल्टर्स ढूंढना मुश्किल होता है। स्माइल करो। वाह, ये जगह कितनी कूल है। हे लेडीज, तुम अपनी हैट लाई हो? हाँ लाई तो हूँ। क्यूट है ना? हाँ, हम इसे ग्राम पर डालेंगे। मुझे टैग कर देना। मुझे नहीं पता था इस पिकनिक पर हैट लानी है। अब मैं क्या करूं? लगता है मेरा लक चल गया है। हाँ ये क्या, वो ठीक तो है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रो मत ओलिविया, लो ये ले लो। शुक्रिया। जो भी हो, यहाँ एक और ऑप्शन है। जरा देखो, वाटरमेलन को इस तरह रखेंगे, फिर अपना ग्लू पेन लेंगे और बिल्कुल ऊपर से शुरू करेंगे। पहले एक सॉलिड डॉट बनाएंगे और इस तरह लाइंस बनाएंगे। जब ये कुछ ऐसा दिखे तो इसके बीच का गैप फिल कर दें। एक टाइम पर एक सेक्शन करें और बिल्कुल भी जगह ना छोड़ें। अब एक और लाइन बनाएं और एक और, इन्हें साथ में जोड़ दें और जैसे ऊपर कलर किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। लगता है सारा हो ही गया। और ये लाइंस सजावट के लिए होंगी। अब रेड के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स बनाएं। अब समझ आए कि क्या है? मैं हिंट देती हूँ, ये वाटरमेलन से इंस्पायर्ड है। ये सीड्स है, देखो। चलो इसे ट्राई करें। तुम्हें हैट चाहिए थी ना? खैर, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अनोखी बनाई है। तुम्हें पसंद आए? वाह, मैं इसकी फोटो लेती हूँ, वो बहुत खुश है। ये लो, हम तुम्हारी पिक्चर पोस्ट करेंगे। ये कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर। नहीं, ये नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये बकवास है। वाह, मेरा पूरा वार्डरोब एकदम बकवास है। ये कैसा तूफान है? हो, ये क्या हो रहा है? मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
तुम किस बारे में बात कर रही हो? इतने सारे कपड़े तो हैं। पर जेक ने मुझे गेट पर जाने के लिए पूछा। जेक, हे भगवान, तो अब हम क्या करें? खैर, ये शॉर्ट कैसी रहेगी? आपको क्या लगता है? या फिर ये रेड ड्रेस, या ये कुछ ज्यादा है? मुझे नहीं लगता ये अच्छी लगेगी। रुको, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं भूल गई थी, मेरे पास एक क्यूट सा क्रॉप टॉप है। ओह, पर इसके साथ पहनने के लिए मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। रुको, मैं जानता हूँ तुम क्या कर सकती हो। हाँ, मैं समझी नहीं। ओह हाँ, डैड, आप बहुत स्मार्ट है, पक्का इसमें कुछ होगा। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं आया। आज की डेट सबसे बेकार होगी, मुझे कैंसिल कर देनी चाहिए। तो हम इसका कुछ कर सकते हैं। मैं बिना इयररिंग्स के बाहर नहीं जा सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा। रुको, ये नेक पिलो और मेरा 3D पेन। हनी, लगता है यही काम आएगा। हे भगवान, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, एक वाटरमेलन स्लाइस की ड्राइंग लेंगे और अब इसे ट्रेस करेंगे। पहले ब्लैक इंक से इसे आउटलाइन करते हैं, बिल्कुल कोने कोने पर। अब अंदर की तरफ भी कुछ लाइंस ट्रेस करेंगे। ठीक है, काफी अच्छा बन रहा है, हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ, करते रहना होगा। अब इसमें रेड वाटरमेलन कलर करेंगे, कोनों को भी रेड कलर ही देंगे। ये देखो, बिल्कुल आखिर तक। अब ग्राइंड की बारी। ये वाला ग्रीन अच्छा लग रहा है, बहुत मजेदार है, मुझे ये अक्सर करना चाहिए। अब मुझे डार्क ग्रीन चाहिए होगा और मेलन की सीड्स के लिए ब्लैक कलर, बस छोटे छोटे बनाने हैं। हाँ, और थोड़े से यहाँ भी। वो हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसा ही एक और बनाना है और चाहिए इयररिंग पीसेस। देखो ये कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। चलो मैं इन्हें ट्राई करूँ, ये अच्छे लग रहे हैं ना, प्यारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डार, आपका आइडिया सच में काम आया। तो चलो, अब मैं जूट के साथ डेट पर जा रही हूँ। ठीक है, तुम दोनों अच्छा समय बिताना। अब मेरा नेक पिलो कहाँ है? ओह, ये रहा, ये बेहतर है। रुको, ये क्या है? ओह, एक फोटो। ओह, इसे तो देखो, कितनी खुश लग रही है, बहुत प्यारे है। हाँ, मुझे बबल्स बनाना पसंद है। क्या? अरे नहीं, ये तो खराब है, ये काम नहीं करेगा। मैं तो बस बबल्स फुलाना चाहती थी। फेरी यहाँ है। मैं बबल्स नहीं बना पा रही। अच्छा तो ठीक है, मैं इसका कुछ करता हूँ। वॉन्ड को छोड़ो, मेरे पास 3D पेन है और ये ज्यादा बेहतर है। हाँ, पैटर्न बन गया, अब इस पर 3D पेन चलाएंगे। वॉन्ड का हैंडल ग्रीन कलर से बनाएंगे, ये देखो। अब स्टार पर येलो करेंगे और अब सर्कल्स में रेड। अब ये आसान हो रहा है और हो गया, ये मैजिक वॉन्ड तैयार है। हाँ देखो, मैंने एक बबल वॉन्ड तुम्हारे लिए बनाई। ओह, ये खूबसूरत है, और बबल्स को देखो। ये बबल्स बहुत ही सुंदर है। हाँ तो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ये तो पिक्चर्स जैसा ही लग रहा है, तो मैं पहले क्या करूँ? मुझे न्यूज देखना पसंद नहीं। रुको, मैं ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये चोर पूरे शहर में घूम रहा है। अपने सामान का ध्यान रखो, ये किसी भी चीज पर कूद जाता है, खासकर बंद खिड़कियों से भी। एक आदमी ने उसे ऐसे करते हुए देखा, पर वो उसे पकड़ नहीं पाया। कुछ भी हो तो पुलिस को कॉल करो। तुम्हारा घर सुरक्षित नहीं है। याइक्स, तो मुझे घर ऐसे छोड़कर जाना होगा। मैं वेकेशन पर नहीं जा सकती, हर जगह ज्वेलरी पड़ी है और मेरे पैसे भी। लेकिन शुक्र है, मेरे पास एक प्लान है, मैं अभी आती हूँ। क्या ट्रिप थी, पर अनपैक करने से पहले देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। ये तो चोर है, इसकी हिम्मत तो देखो। अच्छी जगह है। ज्वेलरी बॉक्स, क्या ये तो बस बॉबी पिन है? क्या बकवास है, बढ़िया सामान कहाँ है? कुछ भी नहीं है, क्या फायदा हुआ? सोचो सोचो। कचरा, अरे नहीं, कॉप्स, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ओह नहीं, ये हुई ना बात।
बस एक बॉल की जरूरत थी। देखो दोस्तों, आपको कैसा लगा? हमें अपने जूल्स को ऐसी जगह पर छिपाना चाहिए जहाँ किसी को अंदाजा ही न लगे, कोई यहाँ पर देखेगा ही नहीं, इसीलिए ये जगह छिपाने के लिए परफेक्ट है। इस तरह एक कार्डबोर्ड कटआउट लेंगे, बीच में एक सर्कल काटेंगे, रैपर्स और बाकी का कचरा हॉट ग्लू से इस पर लगा दें। कार्डबोर्ड दिखना नहीं चाहिए, लगाते जाए। जब ये कवर हो जाए तो हम यहाँ छिपा सकते हैं। अरे हाँ, गेम शुरू करते हैं। वो लूजर, मेरे पास मत आओ। डैडी बहुत अजीब है, हमेशा कंप्यूटर पर चिल्लाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मत जाओ। मैं कुछ खाना चाहती हूँ। ओह, ये कैसा रहेगा? चलो भी हराओ उसे। अब मैं क्या खाऊं? ओह, किटी का कान। मैं इसे हराने ही वाला हूँ, ऐसे ही लगे रहना होगा। और क्या खाऊं? ओह, मैं अपना हाथ खा लेती हूँ। हाँ ये लो, मैं जीत गया। अब इसे और आगे ले जाते हैं। अरे हाँ, मैं VR गॉगल्स पहन लेता हूँ। पता है मेरे पास क्या है? एक जायंट ईयर बर्ड। अब मैं ये खाऊंगी। हे भगवान, देखो वह, देखो डैड के असली ईयर बर्ड, उसे खाना सबसे अच्छा रहेगा। अच्छे लग रहे हैं। अब ये ले लेती हूँ। ये रहे ईयर बर्ड, और ये असली है, जायंट नहीं। वो, मैं ये मैच जीत गया, मैं सबसे बेस्ट हूँ। रुको, मेरे ईयरबड्स कहाँ है? मैंने उन्हें यही छोड़ा था। एक सेकंड रुको, मिकी। ओ नहीं, उन्होंने पकड़ लिया, जल्दी चबाना होगा। मिकी, मैंने तुम्हें क्या कहा था? ये मुझे दो, अभी क्या भी दो यहाँ। फिर वो हमेशा चीजें चबाती ही रहती है। क्या ये एक दांत है? ओ नहीं डैडी, क्या हुआ? ईयरबड्स मैंने पकड़ लिए। डैडी आप तो बुद्धू हो। हे, ये मेरा दांत है, मुझे वापस चाहिए। लो, मेरा दांत अपनी जगह पर वापस आ गया। इसे चबाना मुश्किल है, मुझे इसका कुछ करना होगा। इसे अपने 3D पेन से और सुंदर बनाते हैं। मुझे ग्रीन कलर पसंद है, इसे व्हाइट के ऊपर पूरा कर देंगे। ये अब ईयरबड के इसमें दांत के निशान नहीं है। करते जाएंगे, पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा। ओह, ये तो प्लांट मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। रुको, मैं समझ गई। इस तरह और कलर्स की भी कर लेते हैं। ये बढ़िया लग रहे हैं ना? क्यूट है, मैं इसमें माहिर हूँ। ये वाला मेरा सबसे फेवरेट है, बहुत प्यारा है। डैड, डैड, देखो मैंने क्या बनाया। उठो और देखो। मिकी, हनी, नहीं, डैडी सोने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? देखो मैंने ईयरबड केस के साथ क्या बनाया। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, और इसने मेरे जैसा कलर पहना है। हम मैच कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा है। और ये अपने पास ईयरबड भी रखेगा। ओ शुक्रिया मिकी, मैं इसे यही रखूंगा। गेम खेलते हुए वो मुझे देखेगा। तुम्हें कैसा लगा? हाँ, आपको जीतने में मदद करेगा। हाँ बिल्कुल, चलो अब खेलें। मारो। और मेरे पास दो और है, मैं इनके साथ खेलूंगी। मैं रेड हूँ, मैं येलो हूँ। वो अगर मेरे भी बाल ऐसे कर्ल हो जाए तो ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक दो तीन चार। अभी भी बिल्कुल सीधे हैं। मैं सभी स्ट्रैंड्स को एक बार में करूंगी। एक दो तीन चार। ठीक है, मैं इसे होल्ड करने के लिए इलास्टिक का इस्तेमाल करूंगी। ये पक्का काम करेगा और ब्रेड से भी काम हो जाना चाहिए। ये काफी टाइटली पकड़ लेंगे। इतना क्यूट नहीं है, पर जो भी हो। मुझे एक मैगजीन वाले खूबसूरत बाल कभी नहीं मिलेंगे। रो क्यों रही हो एनी? मैं इसकी तरह खूबसूरत बनना चाहती हूँ। कर्लिंग करना मेरे बस की बात तो नहीं है, पर लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ। पर पहले हमें तुम्हारे बालों को स्मूथ करना होगा, और फिर इसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं, और फिर वैसे। नहीं, ये वापस से उग जाएंगे। एक मिनट रुको। आइडिया, मुझे पता है। पहले एक स्ट्रैंड को पानी से स्प्रे करते हैं, फिर ब्रश के हैंडल को कर्लर की तरह यूज करें, इसे बिल्कुल ऊपर तक ले जाएं। ओह हेलो कर्ल्स,
हॉट कर्लिंग आयरन की जरूरत किसे है, और हीट से बालों के खराब होने का खतरा भी नहीं। शुक्रिया डैड। मुझे खुशी है कि मैंने रास्ता ढूंढ लिया। कितनी शांति मिली है। चलो यहाँ देखते हैं ये कहाँ चले गए। ओह हे भगवान, इन नाइफ्स को तो देखो, ये मेरे घर में नहीं हो सकते। अगर मेरी एंजल यहाँ तक पहुँच गई तो क्या होगा, वो इन यूटेंसिल से खुद को नुकसान पहुँचा सकती है। ओह नहीं नहीं नहीं, मैं इन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं रख सकती, मुझे इन्हें किसी ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ उसका हाथ ना जाए। ये काफी बेहतर है, अब वो सुरक्षित रहेगी। ठीक है, मैं उसके यहाँ से थोड़े खिलौने उठा देती हूँ। एक सेकंड रुको, इस टेबल का ये कोना तो बहुत शार्प है, ये तो नाइफ से भी खतरनाक है, उसकी इसमें टक्कर हो सकती है। और नहीं, उसके छोटे छोटे घुटने नहीं, मैं इस टेबल की वजह से उसे रोने नहीं दे सकती। हे भगवान, ओह नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने घर में ऐसे टेबल को बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। हाँ, पिलोज ने सभी कोनों को अच्छे से सिक्योर कर लिया है, अब ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है, वो यहाँ बिल्कुल सेफ रहेगी। दरवाजा बंद करना नहीं भूल सकते। रखो आउटलेट्स, घर के आउटलेट्स। नहीं, वो क्या कर रही है, उसे चोट लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेबी नहीं, अभी के अभी रुक जाओ, तुम आउटलेट में अपना हाथ कभी नहीं दोगी। आह, अपने आप को देखो, तुम बहुत गंदगी फैलाती हो, लाओ मैं तुम्हें साफ कर दूं। ओह मैं तुम्हारा क्या करूं। हे एक सेकंड रुको, इन वाइप्स का ढक्कन मेरे काम आ सकता है। हाँ ये जरूर काम आएगा, मुझे बस थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस करनी है। ये देखो, मैं इस ढक्कन को उतार सकती हूँ और इसे आउटलेट के ऊपर चिपका दूंगी। अब ये वॉल कवर बन गया है, इससे उसकी उंगलियाँ सॉकेट से दूर रहेंगी। ठीक है, अच्छे से रहना, मम्मी जा रही है। एक सेकंड रुको, आरन! ओह, मैं कभी घर से बाहर नहीं जा सकती। बस मुझे अब सोना है और कल मेरा थिएटर है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं रुक ही नहीं पा रही। बहुत बुरी नींद आई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा सब दर्द हो रहा है। हेलो स्लीपी हेड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लाओ मुझे दिखाओ, तुम्हें फीवर तो नहीं है, जरा इसे लगाओ, कफ सिरप काम आएगा। अपना मुंह खोलो, याक। तुम्हें आराम करना चाहिए। पर थिएटर मैं मिस नहीं कर सकती, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो डार्लिंग, पर तुम बीमार हो। ओह एक मिनट रुको, मैं जानती हूँ तुम खुश कैसे होगी। एक सीरियल बॉक्स लें और उसमें से स्क्वायर काटें। इस तरह बॉक्स को रखें और इसके ऊपर एडहेसिव पेपर का स्ट्रिप लगाएं। एडहेसिव पेपर के अलग अलग कलर्स लगाते जाएं। दो अलग अलग कलर से इसे ढकें। अब सीजर से बीच से पेपर हटा दें। अब दो टिश्यू पेपर लें और उन्हें फोल्ड करें बिल्कुल इस तरह। अब टिश्यू पेपर को बॉक्स के अंदर रख दें। ऊपर और नीचे दो स्लिट्स बनाएं। अब इसके बीच में पॉप्सिकल डाल दें। आखिरकार कार्ड पर कैरेक्टर्स बनाएं और उन्हें पॉप्सिकल स्टिक्स पर चिपका दें। तुम शो के लिए तैयार हो? वाह ये तो बढ़िया है, थिएटर खुद ही तुम्हारे पास आ गया। तुम्हें परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छा बहुत गंदा था, बस ये फैले नहीं, हम साथ में बीमार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अभी भी ठीक नहीं है, काफी बेहतर, अब बस फ्लोर्स की सफाई करना बाकी है। क्या यहाँ पर कितने सारे बाल पड़े हैं? ओह कितना बेहुदा है, मैं बीमार हो जाऊंगी। ये नई ड्रेसिंग बहुत टेस्टी है। ये बाल यहाँ कैसे आए? अब मुझे और भूख नहीं लग रही। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर तो बाल बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शेडिंग बीस्ट में रह रही हूँ, क्या ये कभी खत्म भी होंगे? ये यहाँ से आ रहे हैं। एनी का कमरा, अब मुझे इसकी तह तक जाना ही होगा, ये बालों का ड्रामा अब खत्म होने वाला है। एनी, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरी एनी है, कभी ना खत्म होने वाली शेडिंग मशीन। अरे तुमने हर जगह अपने बाल ही बाल कर दिए हैं। ओह देखो मॉम, क्या
आपका दिमाग खराब हो गया है? नहीं, तुम्हारा हुआ है। ये तुम्हारे बाल है, ये ब्रश में फंस गए हैं। अब मैं इनको बाहर कैसे निकालूं? तुम्हें पता है, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। क्या वहाँ पर कोम पड़ी है? बालों को इकट्ठा करने के लिए उसका यूज करते हैं। ये बाहर आ रहे हैं। देखो हनी। वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने काम किया। क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे? इसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। इसलिए मुझे सुपर मॉम कहा जाता है। वो क्या जगह है, काफी काम की चीजें होंगी। ओ, ये क्या है? परफेक्ट क्राइम। ओ नहीं, भागो! यहाँ क्या हो रहा है? घबराओ मत, मैं आ रही हूँ डैड। जरा अलार्म बंद कर दूँ, यहाँ चोरी हुई है। ज्वेलरी, ये सब यही है, और गोल्ड भी। भगवान का शुक्र है। ये सब गया डैड, मेरी डॉल की कपड़े, वो सब ले गया। स्वीटहार्ट, मुझे माफ कर दो, ये लूटे शोलो। मैं जानता हूँ क्या करना है। सबसे पहले बलून के नीचे का हिस्सा काटें, अब बलून को फोल्ड करें और इसके साइड से एक छोटा सा पीस काटें। अब इसे खोलें, आपके डॉल के लिए नई आउटफिट बन गई। अब हमें इसे ये पहना देना चाहिए। एक और बलून के नीचे का हिस्सा काटें, इससे बढ़िया लेगिंग्स बन जाएंगी। एक बड़े बलून का अलग रंग डालने के लिए एक बड़ा सा बलून ले, ऊपर और नीचे से इसे काटें। अब इसे डॉल की लातों में पहना दे। कितनी बढ़िया स्कर्ट बन गई, उसे कैट वॉक करनी चाहिए। मैंने तुम्हारी डॉल्स के लिए नया वार्डरोब तैयार कर दिया। वाह डैडी, कमाल का लग रहा है, ये कितनी फैशनेबल है। हेलो, मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद आई। तुम नए कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओ हाँ, देखो, और अब दूसरी साइड, बस थोड़ा सा और। वो सबसे मजेदार एपिसोड था। हाँ, वो कहाँ जा रहा है? हे भगवान, हाँ, चल कह रहा है। ओ देखो, एक पॉपेट पार्टी, चलो चले। वो तुम्हारा पॉपेट बहुत प्यारा है, मेरे पास मेरा भी है, तो चलो चले। ओ यहाँ एक बाउंसर है, पर यहाँ खाना बिना अलाउड नहीं है। पर हमारी कैंडी, अब हम इनका क्या करें? मैं सच में पार्टी में जाना चाहती थी। हे, हम जा सकते हैं और कैंडी भी ले जा सकते हैं। देखो, हम तुम्हारा पॉपेट फोन केस लेंगे और कैमरा लेंस की यहाँ फोटो लगाएंगे। अब इसे स्किटल से भर देंगे। हर पॉपेट होल में एक पीस, ज्यादा से ज्यादा लगा लेंगे। और अब चॉकलेट, ये पिघली हुई है तो आराम से आ जाएगी, पूरे स्किटल्स पर अच्छे से फैला देंगे। बढ़िया, बहुत अच्छे से लग गए, ये सेट हो गई है, तो ये तैयार है। ये एक आम फोन लग रहा है। बढ़िया, तुम बहुत तेज हो। हाँ चलो चले, तुम अंदर जा सकते हो। तुमने साइन नहीं देखा, यहाँ खाना पीना अलाउड नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। ये मेरा पॉपेट है, जाओ अंदर। मैंने पहले कभी पॉपेट फोन केस नहीं देखा, काफी कूल है, मजे करो। लगता है आसपास कोई नहीं है। मेरे जंबो पॉपेट के बारी। वो यहाँ पे कितने सारे पॉपेट्स हैं? चलो और सबसे बड़ा वाला पॉप करने की कोशिश करो, ये सबसे अच्छी पार्टी है। हम स्टैकिंग कॉन्टेस्ट जीत गए। चलो चलो चलो, हम तो रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। हे, वेट करना चाहोगे? ठीक है, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? स्नैक टाइम। टाडा, हमारे लिए तो ये तैयार है, इससे पॉपिंग केस हटा देते हैं और ये बन गया होममेड कैंडी बार। स्वादिष्ट, खाकर देखो। हे, हम कैंडी ले आए, आओ सब थोड़ी थोड़ी खाओ। दिन बीत ही नहीं रहा। मैं यहाँ पर कटिंग करवाने आई हूँ। ओह हाँ, आपको देखकर खुशी हुई, प्लीज आइए बैठिए। शुक्रिया। बिल्कुल, बाहर मौसम कैसा है? अभी भी गर्मी है।
ठीक है तो मैं आपके लिए क्या करूं? मुझे बस थोड़े एंड से कटवाने हैं, स्प्लिट एंड्स निकाल दूं और बस थोड़ा अच्छा दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आराम से हो जाएगा। बस आपके चेयर एडजस्ट कर दूं। बस थोड़ा सा और थोड़ा सा और। जी हाँ, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। आप इनका ख्याल रखते होंगे। लगता है यहाँ से उलझे हुए हैं। क्या हो रहा है, तुम रुक क्यों गए? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी मत घबराइए, सब काबू में है। हे भगवान, मेरे कॉम टूट गए। ये तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? ओ, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी गैस है। अब मैं क्या करूं? वो मेरी सबसे अच्छी कॉम थी। रुको, बिल्कुल मेरा क्रस्टी 3D पेन, इससे सब ठीक हो जाएगा। ये रही कॉम की एक तस्वीर, हमें बस इसे ट्रेस करना है। मैं इसमें अपने मनपसंद रंग का पिंक 3D इंक लगाऊंगा। हाँ, काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो चलो, कॉम का आगे का हिस्सा बन गया। हाँ, ये काफी अच्छा लग रहा है। हम इस पर लाइट ग्रीन करेंगे, ये बहुत खूबसूरत है। इसे ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि ये कोम है, तो हम इसको और सुंदर बनाएंगे। जब ये हो जाए हम इस पर फूल बनाएंगे। हाँ, बस हो ही गया और वाला एक नई कोम। ओह, वो तो सो गई, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना होगा। ओह माफ करना, मेरी जरा आंख लग गई थी। हेलो फ्लैश, तुम ये क्या कर रहे हो? डेविड जल्दी। ओह नहीं, मैं प्रेशर में काम नहीं कर पाता। ये लो, अब तुम्हारा है। बहुत अजीब बात है, पर कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। बाल बाल बचे, पर तुमने कर ही दिया। माफ करना, मैं लेट हो गई। आज का लेसन शुरू करते हैं। हाँ, चॉकलेट क्यों नहीं पा रहा? ये बहुत फनी है, पता नहीं क्या हो रहा है, शायद ये गंदा है। रुको, बोर्ड पर कुछ है। क्या ये सोप है? मुझे बहुत बुरा लगा क्लास, हमने कर दिखाया। कोई बात नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा। हाँ, मैं ये नोटबुक इस्तेमाल कर सकती हूँ। कोने पर टेप की एक स्ट्रिप लगाएंगे। ये रहा चॉकबोर्ड पेंट, अब पेंट से पूरी नोटबुक कवर कर देंगे। ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस हो ही गया, अब इसे सूखने देंगे। अब टेप हटा सकते हैं। ध्यान से, पेंट खराब नहीं करना है। अब मुझे चॉकबोर्ड नहीं चाहिए, मैं नोटबुक इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब प्रॉब्लम नोटबुक कवर पर लिखी जाएगी। बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब हमें आंसर चाहिए। ये क्या हो रहा है? तो क्लास, ये कौन आंसर करेगा? तुम। पर ठीक है। और जाओ, आराम से रहो। अब तुम इतने स्मार्ट नहीं रहे। ओह ठीक है, मैं ये जानता हूँ। ये कैसा रहेगा? गलत है, जाकर बैठो। तुम क्या सोच रहे हो? प्रैंक्स में कम और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। मैं इसे हटा देती हूँ। तुम, मैडिसन। मैं? ये तो बहुत बुरा है। मुझे अपना आर्टवर्क बनाना बहुत पसंद है। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं मत देखो, ये इतना अच्छा नहीं है। चलो भी, मुझे देखने दो, पक्का ये इतना बुरा नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, देखो। वाह शानदार, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया। तुमने थोड़ा गन मचा दिया है जे। जानता हूँ, पर रुको, मैं ठीक कर सकता हूँ। तुम बस यही रहना, मैं कुछ कर दिखाऊंगा। सबसे पहले इस पेंसिल को शार्प करेंगे। ये देखो कितना बढ़िया स्पाइरल बन रहा है ना। अब मैं इस पर रिंग लगा दूंगा। देखो ये फूल की तरह बन गया, जैसा सोचा था कि उससे भी अच्छा बना है। तड़ा! मैंने तुम्हारे लिए ये रिंग बनाई। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। तुमने ये पेंसिल शेविंग से बनाई, विश्वास नहीं होता। लिली बहुत खूबसूरत है। मैं एक दिन उससे शादी करूंगा, पर पहले मुझे स्नैक चाहिए। ओह, तो तुम यहाँ हो। हाय मॉम,
आप कैसी हो? जेरेड, तुम्हारे दांत कितने गंदे हैं? ओह, मेरे पास एक टूथब्रश है, तुम्हें इन्हें साफ करना चाहिए। चलो। नहीं, अब मैं क्या करूं? समझ गई, जल्दी से ऑनलाइन देख लेती हूँ। जरा ये देखो, ये लिली है और वो अपने दांत ब्रश कर रही है। वाओ, मैं भी अपने दांत ब्रश करना चाहता हूँ। अगर लिली कर सकती है तो मैं भी करूँगा। ओह मिंटी, मुझे डांस करना है, ये मजेदार है। बहुत बड़े बड़े दांत थे पर उसका दिल भी बहुत बड़ा था, तो जब प्रिंसेस ने उसका फर पकड़ा तो वो उसके पैरों में लेट गया और तब से वो हमेशा साथ रहे। ओह वो सो गई, मैं उसे ढक देती हूँ। अब आराम से निकलते हैं। ओह बहुत तेज था। ओह उठ मत जाना। वो सो ही रही है। अरे नहीं, उसकी डॉल टूट गई। उसे पता चलेगा तो वो बहुत उदास हो जाएगी। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ओह मुझे पता है क्या करना है। इधर आओ डॉली, तुम्हें रिपेयर करते हैं। मुझे निराश मत करना 3D पेन, मुझे इस बार तुम्हारी जरूरत है। मैं इसे फिश स्केल्स की तरह बनाऊंगी ताकि मर्मेड टेल और अच्छी दिखे। और अब नीचे फिन्स। येलो से शुरू करना सही रहेगा पर मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगी ताकि और सुंदर दिखे। हो गया। और अब थोड़े फिनिशिंग टचेस, थोड़ा येलो ऊपर भी और ये हो गया। ओह कितनी प्यारी लग रही है, लगता है वो इसे देखकर खुश होगी। मुझे अपने ऊपर गर्व है। मैं डॉली को यही रख देती हूँ। अच्छे से सो जाओ, अब मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। वो कुछ चेरी आइसक्रीम चाहिए।